अपने हुस्न के जाल में बड़े बड़े कारोबारियों के बेटे को फंसाने वाली जबलपुर की हनी ट्रैप क्वीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताया जाता है कि उक्त युवती ने अभी तक अपने हुस्न के जाल में अनेक कारोबारियों को फंसाया और उसके बाद उनसे लाखों रुपए ऐंठती थी। जब कोई कारोबारी उसे रुपए देने से मना करता तो वो उसके खिलाफ थाने में अपराध दर्ज करा देती थी। हनी ट्रैप क्वीन ने जबलपुर के विभिन्न थानों में दुष्कर्म के 6 केस दर्ज कराए। हनी ट्रैप क्वीन की द्वारा संभ्रांत परिवारों के युवकों को रुपए के लिए फंसाने के खिलाफ जबलपुर में अधिवक्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ताओं ने तथाकथित हनी ट्रैप क्वीन द्वारा थानों में दर्ज सभी दुष्कर्म के मामलों की जांच की मांग की है, तो वहीं पुलिस ने अधिवक्ताओं द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर शीघ्र जांच करवाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि घमापुर में रहने वाली इस हनी ट्रैप क्वीन ने 5-6 लोगों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बार बार कारोबारियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली युवती इस बार अपने ही जाल में फंस गई। इस बार पीड़ित कारोबारी के बेटे ने आरोपी युवती के खिलाफ जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिला न्यायालय ने युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं पीड़ित युवक ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर करते हुए कहा, युवती रुपए कमाने के लिए थानों में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराती है। हनी ट्रैप क्वीन ने शहर के अनेक हाई प्रोफाइल लोगों को फंसाया है और उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए कमाते हैं, पीड़ित युवक ने बताया। जबलपुर से अकलीम अंसारी की रिपोर्ट। हाल ही में जो मामला हमारे सामने आया है, एक महिला द्वारा ऐसे पता नहीं संभ्रांत परिवारों के लड़कों को, बच्चों को फंसाकर उनसे जो पैसे ऐंठने की जो कार्रवाई सामने आई है, बहुत ही विडंबना भरी बात है आज हमारे सामने इस प्रकार की। क्योंकि ये उक्त महिला द्वारा पता नहीं आज हमारे पास साक्ष्य हैं, आज हमने आज स्थल SP महोदय को बताया कि उसने उक्त महिला ने 6-7 से पता नहीं कितने लोगों को पैसे ऐंठे, मतलब। और दूसरा कि उसके ऊपर पहले भी केस लगे हैं और अभी भी केस चल रहे हैं, और हमने मांग की कि उस पर कार्रवाई की जाए और उनको पूरे हमने साक्ष्य दिए और उस घटना से अवगत कराया। क्योंकि इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो बेचारे नए युवक हैं संभ्रांत परिवार के, वे बेचारे तन मन धन से भी परेशान हैं और उनकी एक सामाजिक छवि धूमिल होती है, इस चक्कर में बड़े वे डिप्रेशन में है वे। इसलिए आज हमने उनको पूरी बातें स्पष्ट बताई कि उस महिला पे कार्रवाई करें और इस प्रकार के जो प्रकरण आ रहे हैं उनकी भी जांच की जाए। नाम बता। धीरज सिंह ठाकुर, एडवोकेट। यहाँ कार्यालय पे आए थे, उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि एक तथाकथित महिला द्वारा जबलपुर के विभिन्न थानों में करीब 6 दुष्कर्म के मामले कायम करवाए हैं और उनमें से कुछ मामलों में उनके द्वारा माननीय न्यायालय में समझौता भी कर लिया गया है, जिसके द्वारा अधिवक्तागण द्वारा यह मांग की गई है कि सभी प्रकरणों की सूक्ष्मता से जांच करवाई जाए। अतः 6 प्रकरण के, जिसमें घमापुर के, तलवारा के, गोरखपुर के और एक डिंडोरी जिले का भी मामला है और महिला थाना जबलपुर का भी मामला है, सभी की जांच निष्पक्ष रूप से करवाई जाएगी और उनमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें